टनकपुर से देहरादून आने जाने वाले यात्रियों को अब बस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने उत्तराखंड की जनता को एक और ट्रेन की सौगात दे दी है। शनिवार को चंपावत के टनकपुर से देहरादून के लिए नई ट्रेन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर ने रेलवे स्टेशन से टनकपुर देहरादून ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही खुद टिकट लेकर टनकपुर से खटीमा तक ट्रेन में यात्रा भी की। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रेन में कई यात्रियों से बातचीत भी की। अरे वाह, हम खटीमा से आपके बहुत पहले से काम कर चुके हैं। बनवासा वाले आए एक बार। टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और टनकपुर से खटीमा तक यात्रा कर यात्रियों से बातचीत करने के बाद सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ट्रेन के संचालन से मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लोगों को देहरादून समेत अन्य स्थानों पर आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। और आज बहुत बड़ा दिन है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथ में रेल मंत्री जी का भी कि उन्होंने हमारे यहाँ की जो मांग थी, यहाँ की आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसको आज पूरा किया है। क्योंकि इस ट्रेन के यहाँ से चलने से टनकपुर के साथ साथ टनकपुर, बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, चंदौसी, लक्सर, हरिद्वार और देहरादून तक जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं माँ शारदा के घाट से, माँ पूर्णागिरी के धाम से, माँ गंगा के पवित्र धाम हरिद्वार तक जाने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छी सुलभ ये ट्रेन होगी, उनके लिए भी एक अच्छा मार्ग। ये ट्रेन अभी सिर्फ हफ्ते में एक दिन संचालित होगी, लेकिन इस नई ट्रेन के चलने से टनकपुर से देहरादून आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।